मेरा नाम जोगेंद्र सिंह, मैं मैथ लेक्चरर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। पहली वीडियो में हमने यूक्लिड की ने जो परिभाषाएं दी थी, जो अभिधारणाएं थी, अभिगृह थे, उनके बारे में हमने स्टडी किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के प्रश्न हल करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेटमेंट ध्यान से हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये देखना है। सबसे पहला, इसके 5 पार्ट हैं। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, कैसा है? नहीं, एक बिंदु से तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, असत्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया, असत्य। जब आप कारण लिखेंगे तो कारण में क्या लिखेंगे कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से, मान लीजिए ए बिंदु हमारा यहाँ पे है और बी बिंदु हमारा यहाँ पे है, तो इन बिंदुओं से असंख्य रेखाएं, कह रही हैं ये असंख्य रेखाएं। लेकिन अभिगृहीत 5.1 में तो हमने क्या कहा था कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन दो अलग अलग अगर बिंदु होंगे तो उनमें से केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, तीसरा। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा है, मान लीजिए ये पी क्यू मैंने ले लिया, ये हमारी शांत रेखा है। अनिश्चित रूप से इसको हम यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, कहीं तक भी हम ले जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, सत्य हो गया। फोर्थ जो है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। दो वृत्त बराबर हैं, बराबर का मतलब समपाती। जब आप एक दूसरे, एक वृत्त को दूसरे के ऊपर रखोगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। तो अगर ढक लेगा, इसका मतलब इनके सारे पार्ट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। पांचवा जो है, आकृति में यदि ए बी, हमारे पास ये आकृति दी हुई है, ये आकृति, इसमें ए बी बराबर पी क्यू, ये रेखा पी क्यू के बराबर है। पी क्यू बराबर है एक्स वाई, ये इसके बराबर है। तो ए बी बराबर एक्स वाई, तो ए बी भी एक्स वाई के बराबर होगा। बराबर वस्तुएं, बराबर वस्तुएं हमने कहा था एक दूसरे के अगर बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये आपस में भी क्या होंगी, बराबर वस्तुएं यदि बराबर के इक्वल हैं तो आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। या दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के अगर बराबर है तो वो आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सत्य हो गया। यहाँ पे दो ही असत्य हैं, इसका कारण क्या होगा, असत्य। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसका असत्य है। तो इसका कारण क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। यहां पे दिए हुए हैं पद, इनकी परिभाषा देनी है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। देखिए, पहला जो है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं, रेखाएं और समानांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर, जिन रेखाओं में समान अंतर रहे, ऐसी रेखाएं
जिनको आगे या पीछे, चाहे हम उनको आगे बढ़ा लें या पीछे बढ़ा लें, आगे या पीछे अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, प्रतिच्छेद ना करें। जैसे हमारे पास एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, चाहे आप इनको आगे पीछे कहीं पे भी बढ़ा दीजिए, इनमें जो है अंतर क्या रहेगा, समानांतर रहेगा। तो ये हमारे पास रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर रेखाएं, जिनको अपरिमित रूप से आप अनिश्चित रूप से यहाँ पे बढ़ा दीजिए, उधर बढ़ा दीजिए, कितने ही बढ़ा दीजिए, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ऐसी रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, समानांतर रेखाएं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लंब रेखाएं, लंब रेखाएं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा था क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकताएं हैं। यहाँ पे जैसे इसमें रेखाएं, पहले तो हमें रेखाएं ही पता होनी चाहिए कि क्या रेखाएं हैं, रेखाएं की परिभाषा क्या है। दूसरा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का हमें पता होना चाहिए किसकी डेफिनेशन, जो एक दूसरे को काटती हैं, कहीं ना कहीं पे काटती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं कौन सी होती हैं, जिनके बीच में वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटें, 90 डिग्री पर, समकोण पर काटें, वे रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटें या प्रतिच्छेद करें। ठीक है, अब यहां पे अगर हम कहें रेखाएं, रेखाओं की परिभाषा हम मांग सकते हैं, समकोण की हम मांग सकते हैं, समकोण। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कोण की परिभाषा दीजिए, कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, कहीं पे भी दो रेखाएं काट रही हैं उनके बीच का जो झुकाव है वो हमारा क्या हो गया, कोण हो गया। समकोण, समकोण का जो पद है, समकोण को परिभाषित कैसे करेंगे, वो हम मांग सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे है हमारे पास रेखाखंड, रेखाखंड। रेखाखंड किसी रेखा का एक भाग, मान लीजिए ये हमारे पास रेखा है और इसमें P और Q यहां से लेके यहां तक, किसी रेखा का एक भाग क्या कहलाएगा, रेखाखंड। किसी रेखा का एक भाग रेखाखंड है। जैसे यहां पे हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू, मतलब उस रेखा के अंत बिंदु जो सिरे होंगे वो क्या होंगे, बिंदु होंगे। उस रेखा के सिरे जो होंगे वो क्या होंगे, बिंदु होंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। अब यहाँ पे रेखा का कह सकते हैं हम, रेखा की परिभाषा परिभाषित कीजिए, भाग की परिभाषा परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसके बाद भाग की परिभाषा देंगे तो आगे कुछ ना कुछ आ सकता है, तो ये अनिश्चित रूप से बढ़ती रहती हैं। चार नंबर पे हमारे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। जब हम किसी केंद्र को मानकर और कुछ दूरी की प्रकार खोल के हम ये चाप लगाते हैं तो हमें इस तरह की आकृति प्राप्त होती है जिसे हम वृत्त बोलते हैं। तो यहाँ से ये हमारा केंद्र होता है, केंद्र से और ये हमारी परिधि, केंद्र और ये हमारी है परिधि। केंद्र से परिधि पे स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी वो क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित
किसी बिंदु वृत्त के केंद्र से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं केंद्र क्या है, केंद्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि परिधि क्या है, उसकी परिभाषा दीजिए। तो उसके बाद जब हम केंद्र और परिधि की परिभाषा देंगे, वहाँ पे भी कुछ ऐसी अनडिफाइंड टर्म आ सकते हैं, उनकी परिभाषा देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्क। पाँचवें नंबर पे हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वर्क। वर्क क्या है, ये आकृति हमारे पास वर्ग होती है, एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों, और साथ में हमारे पास क्या हों, इनके सभी कोण कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री के समकोण हों। ठीक है, वर्ग की जो परिभाषा होगी, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर व सभी कोण 90 डिग्री हों, वो हमारे पास क्या होती है, वर्ग होती है। अब हमने वर्ग की परिभाषा दे दी, यहाँ पे हम और क्या डिफाइन कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज क्या होती है उसकी परिभाषा मांग सकते हैं। समांतर चतुर्भुज ये भी अनडिफाइंड है तो हमें उसकी परिभाषा देनी पड़ेगी। ठीक है, भुजाएं क्या हैं, उसके बाद कोण की परिभाषा हम कह सकते हैं, और समकोण या 90 डिग्री का कोण कितना होता है उसकी हम परिभाषा मांग सकते हैं। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो अभिधारणाएं दी हमें, दो भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। दूसरी, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। इनके बारे में अब इन्होंने पूछा क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। हाँ, हमारे पास बिंदु हो गया, भिन्न बिंदु हो गई, रेखा हो गई, ये हमारे क्या हैं, अपरिभाषित शब्द, मतलब हमें उनकी परिभाषा देने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद कहता है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्या अविरोधी हैं, ये संगत हैं क्योंकि ये हमारे पास दो भिन्न, ये संगत हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग सिचुएशन को दे रही हैं। अलग अलग सिचुएशन कैसे, अगर हम पहले की बात करें, ए और बी दिए रहने पर, मान लीजिए ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये है, तो ए और बी के बीच सी कोई बिंदु स्थित होगा, यस, कोई ना कोई बिंदु इसके बीच में जरूर मिलेगा। ये हमारे पास एक सिचुएशन है, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में क्या कहता है, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। मान लीजिए ए बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया, बी बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया और सी बिंदु यहाँ पर ले लिया, तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। ये अलग अभिधारणा है, ये अलग अभिधारणा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अविरोधी नहीं है, ये हमारे पास क्या है, संगत है। ये इसका सेकंड वो हो गया। थर्ड में क्या है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती। हालांकि हमारे पास एक अभिगृहित था, ये अभिगृहित 5.1 का अनुसरण करती है, अनुसरण करती है। 5.1 क्या था, 5.1 अभिगृहित दो बिंदुओं से, अभिगृहित 5.1 की अगर मैं बात कहूं, दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा
खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ये हमारे पास अभिग्रित 5.1 था। ये जो दोनों हैं ये इनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। आकृति की अगर हम बात करें तो हमारे पास ए और बी हमने दो बिंदु ले लिए और बीच में हमने क्या ले लिया, सी बिंदु यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ए सी बराबर है बी सी, जो ए सी है वो बी सी के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। दिया है ए सी बराबर बी सी, ए सी जो वो बी सी के बराबर है। अब दोनों तरफ मैंने क्या किया, ए सी जोड़ दिया दोनों में, दोनों तरफ ए सी जोड़ने पर ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। अगर दो बराबर चीज़ें हैं, बराबर में बराबर जोड़ने पर पूर्ण जो मिलता है वो बराबर होता है, ठीक है। हमने अभिग्रित किया हुआ था बराबर में, अभिधारणाएं जो हमारी थी, बराबर में बराबर जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, पूर्ण जो होगा वो बराबर होगा। तो ए सी प्लस ए सी क्या हो गया, 2AC, ए सी प्लस ए सी 2AC। अब यहाँ पे देखिए ए सी प्लस बी सी, अगर इस ए सी और बी सी को जोड़ा जाए तो पूरी हमें क्या मिलेगी, ए बी मिलेगी, बराबर है ए बी। ए सी प्लस बी सी को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब ये 2AC के साथ गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ए सी बराबर है 1/2 AB, यही हमने सिद्ध करना था, इति सिद्धम, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये था बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है, मैंने 4 भी लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 4 में सी जो था रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु हमने ऐसे बनाया था, ये ए है, ये बी है और ये सी, ये मध्य बिंदु, क्योंकि ये इतना इधर है इतना ही इधर है, बराबर है, तो सी इसका मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, इसमें केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, मान लीजिए विरोधाभास से करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक डी भी इसका क्या है, मध्य बिंदु है। हल देखिए इसका, सी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो यहां पे इन्होंने क्या लिखा था, ए सी जो है ए सी बराबर 1/2 AB, इसको हमने एक समीकरण ले लिया। अगर सी मध्य बिंदु होगा तो वो उसका क्या होगा, आधा होगा। अब माना ए बी का अन्य मध्य बिंदु डी है, मैंने डी भी एक इसका मध्य बिंदु ले लिया। अगर ऐसा हो गया तो ए डी जो है तो ए डी भी क्या हो जाएगा, 1/2 AB, ए डी 1/2 AB, ए बी का आधा हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब समीकरण नंबर 1 और 2 में देखिए, यहाँ पे जो हमारा दायां पक्ष है, दायां पक्ष जो है हमारा बराबर है 1 व 2 से। अगर हमारा दायां पक्ष बराबर होगा तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। ये अगर बराबर है तो ये भी बराबर होगा 1 व 2 से। ए सी बराबर है ए डी, मतलब ए सी जो है वो ए डी के बराबर होगा। ये कब संभव है, ए सी ए डी के बराबर कब संभव हो सकता है, जब सी और डी एक ही बिंदु हो, संपाती हो। यह तभी संभव है, यह
तभी संभव है जब सी व डी संपाती हों मतलब एक ही बिंदु हो। अगर एक ही बिंदु हुआ तो एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, दो नहीं हो सकते, एक ही मध्य बिंदु होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपस में इंटरलेटेड थे, बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आकृति में यह आकृति दी हुई, यदि AC बराबर BD तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर है CD। बहुत ही आसान सा है, दिया है AC बराबर BD, हमें दिया हुआ AC बराबर BD, इन दोनों में से दोनों बराबर है, बराबर चीज घटा दीजिए, AC माइनस BC इसमें से भी और BD माइनस BC दोनों तरफ, BC घटाने पर क्यों? क्योंकि अभी हमारी अभिधारणा जो तीसरी थी वो क्या थी कि बराबर में से बराबर घटाने पर शेषफल जो आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। अब आप AC में से अगर BC घटा दें, इस वैल्यू में से, इतने में से अगर हम इतना काट दें तो हमारे पास सिर्फ इतना ही बचेगा, क्या बचेगा, AB बचा। और ऐसे ही यहाँ पे BD में से अगर आप BC घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, CD। तो BD माइनस BC बराबर है CD हो गया, AB बराबर CD हो गया। ठीक है, ये था बहुत ही आसान सा अभिधारणा 3 से। अभिधारणा 3 क्या थी, बराबर में से बराबर घटाने पर चीज़ क्या आएगी, जो शेषफल आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यही हमने प्रूव कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूक्लिड के अभिग्रितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? मैंने यहाँ पे अभिग्रित 5 भी लिख दिया, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये सत्य क्यों है? क्योंकि ये हर एक चीज़ के लिए, चाहे कोई भी वस्तु ले लीजिए और विश्व के किसी भी भाग में आप चले जाइए, जो पूर्ण चीज़ होगी वो अपने भाग से बड़ी होगी। हल जो है, क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में प्रत्येक वस्तु के लिए यह सत्य है। अगर ये सत्य है तभी हमने इसको सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कहीं पे भी एक रेखा, आप चाहे यहाँ पे खींच लीजिए, चाहे इंग्लैंड में खींच लीजिए, ये एक रेखा खंड है, अगर हम या रेखा है, इसका एक खंड ले लेंगे तो ये जो भाग है, ये इसका भाग हुआ, रेखा जो है अपने भाग से क्या होगी, बड़ी होगी। ये हमने अर्थ बना ली, अर्थ में कहीं पर कोई भी एक कंट्री होगा, ये अर्थ पूरा भाग है, ये पूर्ण है, पूर्ण वस्तु है, और ये इसका एक भाग है, तो जो पूर्ण होगी वो हमेशा क्या होगी, अपने भाग से बड़ी होगी, पूर्ण अपने भाग से बड़ा है। एक रोटी ले ली, रोटी का अगर मैं एक टुकड़ा कर लूँ तो जो पूर्ण होगा वो अपने भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। ये पेन है, ये पूर्ण है, अगर हम इसकी कैप ले लें तो ये पूर्ण था, ये पूर्ण जो है अपनी कैप से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आप किसी भी वस्तु के लिए और संसार के कहीं भी किसी भी स्थान पे जाएंगे उसके लिए क्या होगा, ये सत्य है। तो ये हमारा सर्वव्यापी सत्य है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 5.2 में जो है वो यूक्लिड की जो अभिधारणा 5 थी उसके समतुल्य हमने अभिधारणाएं देनी है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। अब पहले मैं अभिधारणा, मैंने जो 5 है वो पहले ही लिख ली है यहाँ पे। क्या कहती है अभिधारणा 5, काफ़ी बड़ी है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, हमने बताया भी था
दो सीधी रेखाएं हैं और एक रेखा सीधी रेखा इनके ऊपर गिर रही है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास L है, ये M है और ये P रेखा है, तो एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण, अंतःकोण अंदर वाले, ये अंतःकोण है हमारे पास, ये बाह्य कोण होते हैं, तो उस रेखा के एक ही ओर अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से, दो समकोण मतलब 90 डिग्री समकोण होता है, तो दो समकोण करके कितना हो जाएगा 180। इन दोनों का अगर योग 180 से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। ये दो समकोणों से कम है तो कहीं ना कहीं पे जाके जरूर ये प्रतिच्छेद करेंगी, जहाँ पे दो समकोणों से ज़्यादा ही आगे बढ़ती जाएंगी। अब ये तो थी हमारे पास अभिधारणा 5, लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो जाती है। क्या ऐसा कोई सरल रूप है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं इसको आसानी से समझाने के लिए? देखिए इसका हल बहुत ही आसान सा क्या है, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये और ये दो भिन्न हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती, देखिए कैसे समझेंगे इसको। मान लीजिए हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये L हो गया, ये M हो गया। इनमें से एक रेखा जो है, अगर मान लीजिए एक ये रेखा P है, ये इसके समानांतर है, L और जो P है ये आपस में समानांतर है, जो P है M के समानांतर कभी नहीं हो सकती, P और M समांतर नहीं होंगे यदि P L के समानांतर है। अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दी हुई हैं, एक कोई रेखा मैं किसी एक रेखा के समानांतर ले लूं तो वो दूसरी रेखा के समानांतर नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हमारे पास ये आप इनके एक ही तरफ अंतःकोण, यहाँ से हमारे पास समानांतर रेखाओं का भी कंसेप्ट क्लियर होता है कि इन दोनों कोणों अंतःकोणों का योग अगर 180 होगा तो ये क्या बन जाएंगी, समानांतर रेखाएं बन जाएंगी। तो ये था इसका आसान सा हल पहले क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट करते हैं 5.2 का सेकंड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समानांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? अभी मैंने बताया भी था, फिर भी हम कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं सीधी रेखाएं हैं, एक तीसरी रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है, और अगर इनके एक ही और अंतःकोणों का योग वहाँ पे हमने कहा था 180 से कम हो, दो समकोणों से कम हो, दो एक तीन कंडीशन हो सकती हैं, 180 से कम, 180 या 180 डिग्री से अधिक। अब अगर 180 से कम होगा, हमने बताया 180 से कम होगा तो ये एक तरफ जाके क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेद कर जाएंगी, और अगर 180 से अधिक होगा, इधर ही 180 से अधिक था तो ये एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। लेकिन एक तीसरा केस ये भी तो हो सकता है कि 180 ही हो। अगर मान लीजिए L और M हमारे पास दो रेखाएं हैं, N इनको प्रतिच्छेद कर रही है, और यहाँ पे इन दो कोणों का योग अगर 180 है तो आगे पीछे आप कहीं पे भी बढ़ाते जाइए, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और अगर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, समानांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो हल पहले तो हाँ, माना L व M दो सीधी रेखाएं हैं तथा N इनको इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है
प्रतिच्छेद करती है कि अंतः कोण, मान लीजिए एक और, कि अंतः कोण एक व दो का योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तब L व M को, ये भी फिर इन दोनों का भी 180 ही रहेगा इस तरफ भी, अनिश्चित रूप से, तब L व M को अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर, बढ़ाने पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। अगर वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो हमारे पास क्या आ गई, ऐसी रेखाएं। इसलिए L व M समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा चैप्टर था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।